से पुकारते हैं तो अंदर से भी फिर भी आवाज ज्यादा आवाज आती है। ये करके दिखाएंगे जरा। हाँ जी ये करके दिखाएंगे। आ, जी, जी, आपने बताना है कि आवाज आती है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी बहुत फिर बंदे और हाथ रखे जिन्हें दसना ठीक है इधर। ये शेरी तेज मारी तेज मार इधरू लत्त आली साइड तू। हाँ जी शेरी और तेज मार तू ना हाथ मार। वो आ रही है यार आ रही है भाई जान है तस्लीम क्या ठीक है सर जी आवाज आ रही है। बात बात ये है बात ये है कि बात वो बंदे पे जो है ना मैं बार बार ये आपसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं आपका मेज़बान अनस कुंदर आप नाज़रीन लाहौर के एक इलाके में मौजूद हैं चून में जहां पे पिछले दो दिनों से ये कहा जा रहा है कि इस कब्र में से आवाजें आ रही हैं इस कब्र में से धमक जो है वो महसूस होती है। दो दिन से आप देख सकते हैं कि पूरे लाहौर के जो लोग हैं इस इलाके के लोग हैं इस कब्र को देखने के लिए आ रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम जो अब पुकारते हैं तो आगे से कोई इंसान जो यहाँ से जो है वो बोलते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि वाकई आवाज आती है भाई ये मैं आपको खुद ही कर देना हाथ लगाए मैं आवाज देता हूँ पैरा दम रोकना भी सारे जोर दी मारी आवाज नहीं आई थोड़ी जोर दी धमक आ रही है पता चल गया धमक यहाँ पे जो है वो महसूस हो रही है। इनका ये कहना है कि जब हम उनको पुकारते हैं जब यहाँ से पुकारा जाता है तो आगे से आवाज आती है धमक जो है महसूस होती है। तो ये कितने दिनों से ये सिलसिला चल रहा है 25 तारीख का दफनाया हुआ है ये 25 तारीख का इसको दफनाया हुआ है ये आज तीसरा दिन हो गए ये आवाज लगाते हैं तो अंदर से ऐसे मारना शुरू हो जाता है ये जैसे बंदा कोमे की हालत में नहीं होता लगता है वैसे ये कोमे की हालत में इन्होंने दफना दिया है। तो ठीक है जी अब वो कोमा से बाहर आया कहीं तो इस वजह से वो वाजे देते हैं तो वो अंदर से मारते मुझे निकालो वो जिंदा है तो क्या। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ से वाकई आवाजें आ रही हैं। हाँ जी अच्छा सब लोग सुन रहे हैं हम भी सुन रहे हैं आप भी ऊपर खड़े हैं सब लोगों ने सुना ये तसव्वुर किया मतलब कि माना है तस्लीम किया है सब लोगों का कहना भी है ये